आज हम लेक्चर नंबर 4.2.1 क्वेश्चन नंबर 8 हल कर देंगे। अब आई शो दैट द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस आर रेशनल। हम क्वेश्चन शुरू करते हैं। ए इंटू बी माइनस सी एक्स स्क्वायर प्लस बी इंटू सी माइनस ए एक्स प्लस सी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू जीरो। अब सेकंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मुताबिक ए इज इक्वल टू ए इंटू बी माइनस सी होगा और बी इज इक्वल टू होगा बी इंटू सी माइनस ए और सी होगा सी इंटू ए माइनस बी। अब डिस्क्रिमिनेंट या फर्क कुनिंदा तो बी स्क्वेयर माइनस फोर ए सी लगाएं। अब बी इंटू सी माइनस ए होल स्क्वेयर माइनस फोर इंटू ए ए इंटू बी माइनस सी और सी की जगह लगाएंगे हम ये सी इंटू ए माइनस बी। अब बी का स्क्वेयर बन जाएगा इंटू इस फार्मूले को खोलेंगे सी स्क्वेयर माइनस टू ए सी प्लस ए स्क्वेयर माइनस फोर। ये जो बाहर वाले ए और सी हैं इनको इकट्ठा लिखो इंटू बी माइनस सी इंटू ए माइनस बी। आप इनको मल्टीप्लाई करो बी स्क्वेयर को इस छोटी ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करो बी स्क्वेयर सी स्क्वेयर माइनस टू ए बी स्क्वेयर सी प्लस ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर माइनस फोर ए सी। अभी उसी तरह रहे इन दो ब्रैकेट्स को आपस में मल्टीप्लाई करो बी को पहले ए से मल्टीप्लाई करो तो ए बी माइनस बी स्क्वेयर माइनस ए सी प्लस बी सी। इस बी को पहले इन दोनों टर्म्स या रकमों से मल्टीप्लाई किया फिर माइनस सी को अगली दो रकमों से मल्टीप्लाई किया। अब फिर खोलें पीछे उसी तरह लिखेंगे बी स्क्वेयर सी स्क्वेयर माइनस टू ए बी स्क्वेयर सी प्लस ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर माइनस माइनस फोर ए सी को अगली चारों रकमों से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस फोर ए स्क्वेयर बी सी माइनस इंटू माइनस प्लस फोर ए बी स्क्वेयर सी माइनस इंटू माइनस प्लस फोर ए स्क्वेयर सी स्क्वेयर प्लस इंटू माइनस माइनस फोर ए बी सी स्क्वेयर। अब हम इन रकमों को तरतीब से लगाएंगे जिन रकम का स्क्वेयर बन रहा है उनको पहले लिखेंगे। ये मैं नीचे निशान लगा रहा हूँ इनके स्क्वेयर बन रहे हैं बी स्क्वेयर सी स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर प्लस फोर ए स्क्वेयर सी स्क्वेयर। ये तीनों रकम स्क्वेयर में आ रही हैं। आगे रकम लिखें जी माइनस टू ए बी सी बी स्क्वेयर सी ये रकम पड़ी है मैं टिक लगा रहा हूँ प्लस फोर ए बी स्क्वेयर सी। इन दोनों को आपस में जब प्लस माइनस करेंगे तो प्लस टू ए बी स्क्वेयर सी आ जाएगा। अगली रकम माइनस फोर ए की दो बी सी और उसके बाद अगली रकम आ गई माइनस फोर ए बी स्क्वेयर सी। इधर ऊपर रकमें गिने वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन नीचे सिक्स आनी चाहिए क्योंकि माइनस टू ए बी सी ए बी स्क्वेयर सी और प्लस ए बी फोर ए बी स्क्वेयर सी यह आपस में माइनस होकर एक रकम बन चुकी है ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वेयर। नाइन्थ क्लास में हमने पढ़ा है ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर प्लस टू ए बी प्लस टू बी सी और प्लस टू सी ए। से मुराद होती है पहली रकम बी से मुराद दूसरी
सी से मुराद तीसरी रकम। अब इसी के मुताबिक ये लिखा हुआ है बी सी, बी स्क्वायर सी स्क्वायर, तो मैंने बी सी होल स्क्वायर लिख दिया। प्लस ये देखें ए स्क्वायर बी स्क्वायर है, तो इसको क्या लिखूंगा, ए बी होल स्क्वायर प्लस फोर ए स्क्वायर सी स्क्वायर है, तो इसको मैंने टू ए सी स्क्वायर होल कर दिया है। हाँ एक टेक्निकल बात है, मैं आगे समझाता हूँ। आगे लिखा हुआ है फार्मूले के मुताबिक टू ए बी, यानी कि टू मल्टीप्लाई पहली रकम ज़रब दूसरी, इनका स्क्वायर नहीं अंदर वाले को, तो टू इंटू बी सी इंटू ए बी। आगे है प्लस टू बी सी, बी से मुराद दूसरी रकम ए बी, और सी से मुराद होती है तीसरी रकम टू ए सी। अब यहां ये टेक्निकल बात देखें, हमारे पास आ रहा है माइनस और यहां क्या आ रहा है प्लस, तो अगर आप यहां माइनस लगा दें तो कुछ हर्ज नहीं होता, क्योंकि माइनस टू का स्क्वायर क्या बनता है, पीछे देखें तो वो फोर ए सी स्क्वायर बनता है। माइनस टू ए सी होल स्क्वायर भी फोर ए स्क्वायर सी स्क्वायर बनाता है, और हमें यहाँ माइनस चाहिए, तो इसलिए मैंने तीसरी रकम माइनस में लिख दी। प्लस टू ए बी प्लस टू बी सी प्लस टू और आगे है सी ए, सी से मुराद है तीसरी रकम माइनस टू ए सी और ए से मुराद है बी सी। अब इनको हम खोलेंगे, ये उसी तरह लिखा है बी सी का होल स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर होल है प्लस माइनस टू ए सी का स्क्वायर प्लस, अब इनको अंदर मल्टीप्लाई करो टू ए बी स्क्वायर सी, अब आ गया प्लस इंटू माइनस माइनस टू टू जा फोर ए स्क्वायर बी सी, प्लस इंटू माइनस माइनस टू टू जा फोर ए बी सी स्क्वायर। अब ये देखिए हमारी पीछे जो रकमें हैं ये बिल्कुल एग्जैक्ट हो रही है। अब एक चीज़ मैं ये फार्मूला दोबारा लिख रहा हूँ, अब इसको हम क्लोज करेंगे तो क्या आएगा ये आपने मुझे बताना है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस टू बी सी प्लस टू सी ए, क्लोज करें तो ये किसके बराबर आता है। जी आप ठीक बूझ गए हैं, ये आता है ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर। तो अब ये ए की जगह पर समझो, ये बी की जगह पर और ये सी, हम लिखेंगे इसको बी सी प्लस ए बी प्लस माइनस टू ए सी का होल स्क्वायर। इसको और साथ शक्ल में लिखें बी सी प्लस ए बी माइनस टू ए सी का होल स्क्वायर। अब ये जो स्क्वायर है इसका आप अंडर रूट ले सकते हैं, बी सी प्लस ए बी माइनस टू ए सी, और क्वेश्चन में आपको वो यही पूछता है कि रूट्स आर रेशनल, हर वो रकम रेशनल है जिसका अंडर रूट निकलता हो। अगर कोई रकम स्क्वायर में है और उसका अंडर रूट निकलता हो तो वो रेशनल है। फॉर एग्जांपल 49 इसका अंडर रूट निकलता है, 16 अंडर रूट निकलता है, और भी रेशनल रकूम है मगर अंडर रूट वाली रकूम को मैं बता रहा हूं, जबकि ये रेशनल है, जबकि 57 अंडर रूट 15 अंडर रूट ये क्या है, इरेशनल है। तो हमने जब इसे हल किया तो ये स्क्वायर में आया, स्क्वायर का अंडर रूट लिया तो ये क्या हो गया, रकम रेशनल है। सो दिस इक्वेशन इज रेशनल।
this equation is rational. अब इसी के साथ का क्वेश्चन नंबर 8 की जो 2 खुद हल करनी है, क्वेश्चन 10 भी आपने खुद हल करना है। अगर कोई मसला है तो आप मुझसे डिस्कस कर लेंगे कमेंट्स में।